الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض أمري سلسلہ مجالس کی آج پانچویں گفتگو ہے اور ان پانچ مجالس کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا تھا وہ عنوان عظمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تھا. مسلسل ہماری گفتگو جاری تھی. کل ایک
पहलू को अजमत हिदायत के हवाले से तो जो सलावात का पहलू था आपकी खिदमत में मारूदात पेश किए, और इससे पहले जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी वो मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से, इब्तदाई बातें हमने मौला के हवाले से बयान की थी। और ये जब अजमत अहले बैत की बात आती है जाहिर ये मौजू इतना वसी है कि एक ही शख्सियत पर बात हो जाए तो शायद हक अदा ना हो सके, और उनके दरमियान कोई फर्क नहीं है, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे आखिर हो, जो पहले के फजाइल हैं वही आखिरी के फजाइल हैं। अब अली इब्न अबी तालिब के फजाइल बयान करें गोया इमाम ज़मान के फजाइल बयान कर रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बयान करें तो गोया आप इमाम हुसैन के फजाइल बयान कर रहे हैं। यानी हर पहलू से अगर देखा जाए तो ये अहले बैत एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। और इसकी दलील भी मैं पेश कर दूं आपकी खिदमत में रिवायत के हवाले से। एक रिवायत है मदीनतुल मुहज्जिस किताब है अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी, बहुत मारूफ किताब है मदीनतुल मुहज्जिस, उसमें यह रिवायत मौजूद है। फर्क नहीं इनके दरमियान, पहला और आखिर के जहन में रखिएगा फिर रिवायत सुनने होगा। रावी कहता है मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि ख्वाब में मैं देख रहा हूं कि पैगंबर की जात मौजूद है और उनके सामने एक तश्त पड़ा हुआ है, एक थाल है, उस थाल में चंद खजूरें हैं। अब यह रावी कह रहा है मैं ख्वाब में देख रहा हूं, अब जाहिर है ख्वाब ही में इसका दिल चाहा, ये आगे बढ़ा, कहता मैंने रसूल खुदा से कहा कि या रसूल अल्लाह कुछ खजूरें मुझे भी अता फरमाइए। तो रसूल खुदा ने उस थाल में से एक मुट्ठी उठाई और उसको दे दी। कहता मैंने खाना शुरू किया, जब मैंने उन खजूरों को गिना तो 18 खजूरें थी। ये ख्वाब खत्म हो गया, अब छठे इमाम का दौर था, अभी छठे इमाम की खिदमत में पहुंचा, वही जो ख्वाब में देखा था रसूल खुदा के सामने एक थाल पड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से जब ये छठे इमाम की खिदमत में गया तो क्या देखा, थाल खजूरों का मौजूद है और मौला इमाम सादिक खजूरें तनावुल फरमा रहे हैं। अब वही ख्वाब की तरह ये आगे बढ़ा ताकि परदंदे रसूल मौला कुछ खजूरें मुझे भी नायत फरमा दीजिए। मेरे मौला इमाम सादिक ने मुट्ठी भरी और उसको दे दी। अब ये खाना शुरू करता है, खाता जाता है, एक मरतबा इसने जब गिना खजूरों को तो खजूरें 18 ही खजूरें थी। अब इसने जब 18 खजूरें खा ली, अब खजूरें मौला के हाथ की दी हुई खजूरें, जाहिर उसमें मजा दोबाला हो जाया करता है, मौला ने अपने हाथ से ली थी। अब ये कहता मौला एक और खजूर अगर आप मुझे इनायत फरमा दीजिए तो मेरे मौला इमाम सादिक का जुमला जरा सुनिएगा, ख्वाब में और हालत बेदारी में इनके दरमियान कोई फर्क नहीं होता, जो पहला करता है वही आखिरी करता है, चाहे ख्वाब ही क्यों ना हो, ताकि मौला खजूर और दे दीजिए। तो मेरे मौला इमाम सादिक ने फरमाया अगर हमारे जद रसूल खुदा ने तुम्हें ख्वाब में 18 से ज्यादा खजूरें दी होती तो हम भी तुम्हें 18 से ज्यादा खजूरें दे देते। तो लिहाजा इनमें कोई फर्क नहीं है, पहला हो आखिर हो। तो हमारी बात चल रही थी मौला अमीर मोमिनीन के हवाले से, इब्तदाई चंद बातें आपकी खिदमत में बयान की थी, और मैंने उस मजलिस में भी कहा था कि अली किसी शख्सियत का नाम नहीं है,
अली एक इंसानी मौजदे का नाम है, अली एक इंसानी मौजदे का नाम है। मौजदा क्या होता है? मौजदे की अगर आप तारीफ जाकर देखें तो मौजदे की तारीफ यह है कि जिसको एक आम इंसान अंजाम ना दे पाए, कर ही ना पाए, यानी एक आम इंसान के बस से बाहर जो चीज हुआ करती है वो मौजदा कहलाती है। बहुत सात अल्फाज में मैंने आपकी खिदमत में मौजदे की तारीफ को पेश कर दिया। मिसालें क्या है इसकी? चांद निकलता है, अपने वक्त पे आता है, चला जाता है। चांद के अगर कोई दो टुकड़े कर दे तो ये मौजदा है। एक आम इंसान इसको अंजाम ही नहीं दे सकता। सूरज निकलता है और अपने वक्त पर वो वापस चला जाता है, अपने वक्त पर निकलता है। अगर कोई इसे सूरज को उसके वक्त के अलावा पलटा दे तो ये मौजदा है। आंख का काम क्या? जलाना। आपने अखबारों में सुना होगा, रोजाना टीवी में सुनते हैं, आज फला जगह पर आग लग गई, इतने लोग मर गए। अगर उस जलती हुई आग से कोई निकल के आ जाए तो ये मौजदा। एक आम इंसान आग के अंदर से नहीं आ सकता, आग का काम है जलाना, वो जलेगा। इसी तरीके से एक और मिसाल ले लीजिए आप, पानी के अंदर एक गहरा समंदर हो, अगर उसके अंदर आप जाएंगे डूब जाएंगे। अगर एक शख्स पानी के अंदर अपने पैरों को रखे और पानी उसको रास्ता दे दे तो ये मौजदा, क्योंकि आम इंसान ये कर नहीं सकता है। यानी जितनी मिसालें मैं देता जा रहा हूं ये मौजदा है, जो आम इंसान के बस से बाहर हो मौजदा कहलाता है। अब यहां पर रिवायत सुनते चले जाइए, मेरे मौला एक मरतबा एक यहूदी के साथ जा रहे हैं, रास्ते में यहूदी से मुलाकात हुई, वो नहीं जानता कि मौला अली इब्न अबी तालिब है। बहरहाल एक मुसाफिर मिला, सफर का साथी, बात करते हुए जा रहे मौला। रास्ते में क्या देखा, एक दरिया आया, पानी आया, उस पानी को पार करके उस तरफ जाना है। तो रुका, अब ये यहूदी मौला को देखता है, मौला यहूदी को देखते हैं कि कौन जाता है। यहूदी ने कुछ अपनी जबान पर जारी किया, उसने पैर रखा पानी के ऊपर, वो पानी पत्थर में तब्दील हुआ, वो उस तरफ चला गया। अब वहां जाकर मौला को कह रहा है कि मैं तो आ गया, आप कैसे आएंगे? पानी में अगर कोई रास्ता बना दे ये मौजदा, ये ध्यान में रखिएगा। कहा कि मौला मैं तो आ गया, कि अब आप कैसे आएंगे? कोई मालूम नहीं है अली इब्न अबी तालिब है। मेरे मौला मुस्कुराए, मेरे मौला ने कहा कि देख लो कैसे आता हूं। अब उसने तो कुछ पढ़ा था, पैर रखा पानी पत्थर में तब्दील हुआ, उस तरफ चला गया। लेकिन अली इब्न अबी तालिब के जो खुद एक मौजूदा हो, परवरदिगार का सबसे बड़ा मौजूदा अली इब्न अबी तालिब, अब अली इब्न अबी तालिब ने इशारा किया पानी को, पानी पत्थर में तब्दील हुआ, मेरे मौला चलते हुए उस तरफ चले गए। देखता रह गया, परेशान है कि मैं तो कुछ पढ़ के आया था, इसने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, कैसे आ गया? अब जब वहां पर दोनों पहुंचे, पहुंचने के बाद कहता है कि आप कैसे आए? मेरे मौला ने कहा पहले तू बता तू कैसे आया? कहने लगा मैंने अपनी किताबों में ये पढ़ा हुआ है कि रसूल खुदा का जो वसी हुआ करता है, जो उनका जानशीन हुआ करता है, अगर उसके नाम का वास्ता देकर किसी भी चीज को कहा जाए कि हो जाओ, हो जाया करती है। तो मैंने तो रसूल खुदा के वसी का वास्ता दिया था कि पानी पत्थर में तब्दील हो जाए, जैसे ही वसी रसूल का वास्ता दिया, अली का वास्ता दिया, पानी पत्थर में तब्दील हुआ, मैं इस तरफ आ गया। मेरे मौला ने कहा जिस वसी रसूल की तू बात कर रहा है
जो आम इंसान ना कर सकता हो, उसके बस से बाहर हो और आम तौर पर देखा ना जाता हो, जो आपकी अकलों से मावरा चीज हो, उसको मौजदा कहा जाता है। तो अली इब्न अबी तालिब खुद एक मौजदा है, कुरान एक मौजदा है, जो रसूल खुदा को अता किया गया खुदा की जानिब से, और अली इब्न अबी तालिब भी मौजदे के तौर पर रसूल खुदा को अता किए गए। बस फर्क दोनों में यह है कि कुरान बयान का मौजदा है, यानी अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए उसके कुरान को अगर शक्ल दे दी जाए तो अली इब्न अबी तालिब बनता है। जिस्म अगर दे दिया जाए कुरान को, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। अब इस मौजदे की शान क्या है? अब इस मौजदे की शान देखिए कि इंसान के अंदर बहुत सारी चीजें परवरदिगार ने रखी है, बहुत सारे टैलेंट खुदा ने इंसान के अंदर जमा किए हुए हैं। एक इंसान डॉक्टर बनने की सलाहियत रखता है, डॉक्टर बन जाता है। एक इंसान इंजीनियर बनने की सलाहियत, तमाम सलाहियतें, चाहे डॉक्टर बनने की सलाहियत हो, चाहे बेहतरीन क्रिकेटर बनना चाहता हो, बेहतरीन रेसलर बनना चाहता हो, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता हो, जितनी भी सलाहियतें हैं जो इंसान बनना चाहता है, परवरदिगार ने एक इंसान के अंदर उस सलाहियतें जमा करके रखी हुई है। हर चीज है, लेकिन आपने दुनिया में यह नहीं देखा होगा कि एक इंजीनियर है वो उसी वक्त में एक ही जात के अंदर इंजीनियर भी हो, अच्छा डॉक्टर भी हो, आप कम देखने में आता है। मौजदा समझाना चाह रहा हूं, मौजदा है क्या, शान क्या मौजदे की, यानी अगर मैं अच्छा डॉक्टर हूं तो मुमकिन है अच्छा इंजीनियर ना हो, अगर मैं अच्छा क्रिकेटर बन गया, इंटरनेशनल लेवल पर मैं क्रिकेट खेलना शुरू हो गया तो मुमकिन है अच्छा बॉक्सर ना हो मैं। तमाम सलाहियतें परवरदिगार आलम ने इंसान के अंदर जमा करके रखी हुई है। एक इंसान अच्छा डॉक्टर है, इंजीनियर नहीं हो सकता, अच्छा इंजीनियर है डॉक्टर नहीं हो सकता, लेकिन कुर्बान जाऊं मैं अली इब्न अबी तालिब की जात के। ये आम इंसानों में अगर देखा जाए तो आम इंसानों में सलाहियत है कि वो एक वक्त में एक ही फन को लेकर चले, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, तमाम सलाहियत है, उसमें से एक को चुन सकता है और आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुर्बान जो अली इब्न अबी तालिब की जात के, मैंने अर्ज किया अली एक मौजदे का नाम है। जब हमने अली इब्न अबी तालिब की जात को देखा तो एक ही वक्त में अली अच्छे आबिद भी है, अच्छे साहिब भी है, अच्छा हिल रखने वाले भी है, बेहतरीन जंग करने वाले भी हैं, शुजाअत रखने वाले भी हैं, मिस्किनों की मदद करने वाले भी हैं, तमाम चीजें एक ही वक्त में अगर कोई देखना चाहता है तो वो जात अली इब्न अबी तालिब की जात है। मुसल्ले में देखा जाए तो बेहतरीन इबादत करने वाली जात अली इब्न अबी तालिब की, और ऐसी इबादत कि लोगों ने अली के मुसल्ले पर तड़पते हुए देखा है। ऐसे जाते थे अपने खुदा की बारगाह, ये हमारे मौला है, किस तरीके से इबादत करते थे। अबू दर्दा रावी कहता, मैं एक मर्तबा मौला के साथ जा रहा था, मैंने देखा कि सहरा है, नखलिस्तान है, मौला के साथ जा रहा हूं, अबू दर्दा रावी का नाम। अली ने कहा कि अबू दर्दा तारा यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूं। अब अबू दर्दा कहते, अली गए, सहरा है, नखलिस्तान है, अभी कहने लगा मुझे गुस्तगू हुई तो मैं देखू अली क्या करने गए हैं। कहता मैं दरख्त के पीछे छुप गया, दरख्त के पीछे से मैं देखता रहा अली क्या कर रहे हैं। कुछ देर बाद मैंने क्या देखा कि अली सहरा में पहुंचे, बीच में गए, वहां पर अली ने अपने मुसल्ले को बिछाना शुरू किया, मुसल्ले को बिछाया, मैं देख रहा हूं अली ने नमाज पढ़ना शुरू की। नमाज पढ़ते पढ़ते अबू दर्दा कहता है, मैं देख रहा हूं मौला नमाज पढ़ते हुए ऐसी कैफियत में थे कि एक मर्तबा जमीन पर गिरे, जमीन पर लेट गए। अजीब कैफियत अली इब्न अबी तालिब की। मैं नजदीक गया, मैंने देखा कि मौला को क्या हुआ, मौला
اونچی ہے لیکن مولا کو جواب ہی نہیں دے رہے. ابھی کہتے ہیں میں یہ سمجھا علی کے روح پرواز کر گئی, دوڑا دوڑا در سیدہ پر پہنچا. در سیدہ پر جب گیا دروازہ بجایا تقریب کیا, جناب سیدہ نے پوچھا کیا ہوا ابو دردہ پریشان نظر آ رہے ہو؟ ابو دردہ کہتے ہیں بی بی ہم دونوں ساتھ تھے, مولا بھی ساتھ تھے, میں بھی ساتھ تھا, ہم صحرا میں جا رہے تھے. ایک مرتبہ علی نے کہا کہ ابو دردہ یہیں پر رکو, میں ابھی آتا ہوں. میں نے کیا دیکھا, علی نے مصلی بچھایا, علی مصلی پر آئے اور اس طریقے سے خدا کی عبادت کی علی نے کہ علی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. اب یہ جناب سیدہ کا بیان کیا جا رہا ہے. جناب سیدہ کہتی ابو دردہ یہ علی کی آج کی حالت نہیں ہے, علی کی کیفیت روزانہ ہی یہی ہوتی ہے. جب اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو علی اس طریقے سے عبادت کرتا ہے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے, خدا کے جمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے علی ابن ابی طالب. اور میرے مولا سے کسی نے سوال کیا تھا, مولا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ جب خدا کو انسان پا لیتا ہے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا سوائے خدا کے, اور علی ابن ابی طالب کی ذات کے علاوہ کون ہوگا روئے زمین کے اوپر کہ جس نے اپنے خدا کو بہترین طریقے سے پہچانا ہو؟ تبھی تو اس طریقے سے عبادت کرتے تھے. ائمہ کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیے, امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کو اٹھا کر آپ دیکھیے, دعاؤں میں استغفار آپ کو نظر آئے گی. معصوم ہے, ان سے کوئی خطا نہیں ہوا کرتی ہے, خطا کا امکان نہیں ہے, لیکن پھر بھی خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں. بہترین عمل میں نے کل بھی عرض کیا تھا, استغفار بہترین عمل ہے. اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنی زندگی میں استغفار کو انسان لے کر آئے, اور خود معصومین نے ہمیں درد بھی دیا ہے, دعا جب کرو دعا کرنے سے پہلے استغفار کیا کرو. ذرا جا کر پڑھیے سہر سجادیہ میں جو 57 دعائیں موجود ہیں اس کے اندر دیکھیے الگ سے استغفار موجود ہے. مولا کس طریقے سے اپنے خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں. گویا ایک ذلیل بندہ رسوا بندہ جب اپنی آقا کی خدمت میں جاتا ہے تو کس طریقے سے جاتا ہے, امام زین العابدین نے ہمیں بتا دیا, علی ابن ابی طالب نے ہمیں بتا دیا. تو یہ ہمارا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ صرف علی کی ولایت کو دل میں رکھنا, ہم علی سے محبت کرتے ہیں یہ دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے, دعوے کی دلیل بھی ہوتی ہے. دعویٰ اس وقت تک دعویٰ نہیں کہلاتا جب تک دلیل اس کے ساتھ نہ آ جائے. ہمارا دعویٰ ہے محب اہل بیت ہیں, علی کے چاہنے والے ہیں, تو بھائی جب علی کے چاہنے والے ہیں تو علی کی سیرت پہ بھی چلنا ہوگا. علی نے کیا کیا, علی نے عبادت کس طریقے سے کی ہے, تو علی کی ذات معجزہ ہے, علی کی عبادت میں سب سے اعلیٰ ہے, ذات ایک ہی ہے. لیکن علی کو جب میدان میں دیکھا گیا تو علی سے بڑا جنگجو کوئی نظر نہیں آتا, دشمنوں کے مقابلے میں علی بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے. لیکن یہی علی ابن ابی طالب ہے. اگر کسی پہلوان کو آپ دیکھیں, بہترین پہلوان ہو, بہترین طریقے سے وہ لڑتا ہو, کشتی کرتا ہو, اس کا دل سخت ہو جایا کرتا ہے. اگر اس سے کہا جائے کہ کسی غریب کی مدد کر دو, اس کے آنسو نکل رہے ہیں آنکھوں سے, اس کو رحم نہیں آتا. لیکن علی ابن ابی طالب کی ذات میں نے عرض کیا معجزہ ہے, یعنی تمام متضاد صفات ایک ہی ذات میں خدا نے جمع کر کے رکھ دی ہے, وہ ذات علی ابن ابی طالب کی ہے. علی بہترین جنگ کرنے والے ہیں. جنگ ذرا اٹھا کر دیکھیے, علی جب جنگ میں جایا کرتے تھے تو بہت سے افراد وہ ہوا کرتے تھے کہ جو علی کی تلوار سے مرتے تھے, لیکن بہت سے افراد ایسے ہوا کرتے تھے کہ خود علی کے خوف سے مر جایا کرتے تھے. علی میدان میں آئے تب کپا رہے ہیں, علی کی ذات کی حیبت اتنی زیادہ تھی. لیکن یہی علی جب غریبوں کی بات آتی ہے تو علی کو برداشت نہیں ہے کہ کسی غریب کی آنکھ میں آنسو دیکھے. علی کی رعیت ہو, علی کی رعیت میں کچھ لوگ زندگی گزار رہے ہوں, اور علی پیٹ بھر کر کھانا کھا لے, علی کو گوارا نہیں ہے, علی کو گوارا نہیں ہے. اور میرے مولا نے آپ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیے, جو اسلام کی یادگاریں ہیں آپ کے پاس وہ دو تین یادگاریں ہیں. سب سے بڑی یادگار رسول خدا کے زمانے
यादगारें ऐसी हैं कि इन यादगारों से बढ़कर कोई यादगार है ही नहीं। पहली कलामुल्लाह कुरान मजीद बेहतरीन यादगार, खुदा ने इसको छोड़ा हिदायत के लिए, इसको इंसान पढ़े, इसकी तिलावत करे। मासूम फरमाते हैं कि हमारा चाहने वाला वो है कि जो रोजाना 50 आयतें कम अज कम कुरान की पढ़े, तिलावत करे। 50 आयतें, 100 भी पढ़ सकता है, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, कम से कम 50 आयतें पढ़े। और ये भी कहा जाता है अगर कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, तो कुरान बीच में से खोलिए और जहां से कुरान खोला है वहां से स्टार्ट कीजिए, 100 आयतें पढ़िए, उसके बाद दुआ मांगिए, परवरदिगार आपकी दुआ को मुस्तजाब करेगा, आपकी दुआ को कबूल करेगा। तो ये बहुत बड़ी यादगार है कुरान मजीद। और कुरान के साथ अहदीस नबवी का मुताला कीजिए। रसूल खुदा ने क्या कहा, अकवाल किया है, गिरा कदर चीजें छोड़ कर दें। उसके बाद कि जो आजकल भी सबके घरों में मौजूद होनी चाहिए वो किताब, वो नहजुल बलागा। सबसे बड़ी यादगार अली की वो नहजुल बलागा। नहजुल बलागा में मेरे मौला ने बहुत सारी चीजें बयान कर दी, इस्लाम के मारिफ को बयान कर दिया, इखलाक इसमें मिलेगा, तरबियत के पहलू इसमें नजर आएंगे, मौला के खुतूत इसमें मिलेंगे आपको, जो खुतूत लिखे हैं, जो रिसाले लिखे हैं, जो नसीहतें की है मेरे मौला ने। मेरे मौला इस नहजुल बलागा में जब गरीब की बात आती है तो मौला फरमाते हैं कि अली को बर्दाश्त नहीं है कि अली की हुकूमत में कुछ लोग ऐसे सो रहे हो कि जिनको खाना नसीब ना हुआ हो, अली पेट भरकर सो जाए। अली को गवारा नहीं है, अली को ख्याल है, ये अली हमें दर्द दे रहे हैं कि देखो खुदा ने अगर तुम्हें ऐसा किया है, अगर तुम्हारी हालत यह है कि तुम्हारे पास मौजूद है, आप ये तलाश कीजिए कि आपके हमसाये में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। 40 घर आते हैं हमसाए में, रिवायत के जुमले हैं, हमसाए में 40 घर आते हैं, जो 40 घर आपके आराम में होते हैं वो 40 घर आपके हमसाए हैं। आप जरा चेक कीजिए कि कोई हमसाया भूखा तो नहीं सो रहा। मैंने मौला से जब सवाल किया, मौला क्या वजह आप जौ की रोटी खाते रहते हो, अली की वजह जौ की रोटी थी, क्या आप हमेशा जौ की रोटी खाते रहते हैं, क्या मामला है, क्यों खाते हैं? मेरे मौला ने नहजुल बलागा में जुमला मौजूद है और वो खत उस्मान बिन हुनैद को जो मेरे मौला ने लिखा है, उस खत में मेरे मौला ने उसका शिकवा किया है। जब बसरे का गवर्नर बनाकर मेरे मौला ने उस्मान बिन हुनैद को भेजा था और जब मेरे मौला को खबर पहुंची कि उस्मान बिन हुनैद एक ऐसे शख्स के दस्तरखान पर गए हैं कि वो दस्तरखान गरीबों के लिए नहीं था, अमीरों के लिए बिछाया जाता था, यानी उस दस्तरखान से गरीबों को भगाया जाता था। मेरे मौला तक जब खबर पहुंची जाकर पड़ी 45 नंबर खत का निशान है, एड्रेस नहजुल बलागा का खत है। मौला ने गुस्से की कैफियत जाहिर की है, मौला नाराज हुए हैं, कहा कि उस्मान बिन हुनैद मुझे यकीन नहीं था कि मैं तुम्हें गवर्नर बनाकर भेजूंगा तुम ये काम करोगे, मुझ तक ये खबर पहुंची है। मौला तंबीह कर रहे हैं, सरदनिश कर रहे हैं कि तुम ऐसे इंसान के दस्तरखान पर पहुंच गए कि जिस दस्तरखान से गरीबों को भगाया जाता है और अमीरों को बुलाया जाता है, और जिस दस्तरखान पर तुम गए थे वहां पर रंग रंग के खाने मौजूद थे, एक प्याला आता था दूसरा जाता था, ऐसे दस्तरखान पर तुम क्यों गए? तुम क्या समझते हो अली इब्न अबी तालिब बेहतरीन गजा नहीं खा सकता, अली इब्न अबी तालिब बेहतरीन जिंदगी नहीं गुजार सकता, अली इब्न अबी तालिब के कब्ज़े कुदरत में सब है, खुदा ने इख्तियारात अता की है, अली जो चाहे कर सकता है, लेकिन अली चाहता है मेरा परवरदिगार अली से राजी रहे, खुदा के रिजा चाहता है अली इब्न अबी तालिब, इस वजह से अली इब्न अबी तालिब ये नहीं करता। और वहां पर एक जुमला जो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया है, मेरे मौला कहते हैं उस्मान बिन हुनैद सुनो, लअन्न बिल हिजार अबिल यमामा मन ला तमअ लहु फिल कुफ, कि शायद पूरे हिजाज में, पूरे मक्के में कोई तो ऐसा शख्स होगा कि जिसको रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब ना हुआ हो और मेरी रायत में रह रहे हो लोग, और अली के पेट में रोटी चली जाए, खाना चला जाए और अली के रायत में लोग भूखे सो रहे हो, अली को यह बर्दाश्त नहीं है। सरदनिश के मेरे मौला ने
अली के साथ हर हवाले से मुकम्मल साथ है, बिल्कुल मुकम्मल साथ अली इब्न अबी तालिब की। अदालत अगर देखना चाहते हैं अली इब्न अबी तालिब की, अदालत भी आला मकाम पर है। जुमला इसी नहजुल बलागा में जब अदालत की बात आती है तो अजीब जुमला है मौला का, और यकीन कीजिए हमें बता दिया कि अदालत होगी क्या है। मौला फरमाते हैं वल्लाही लौ उतीतुल अकालिम सबअ बिमा तहत अफलाकिहा अला अन उतिय अल्लाह फी नमलतिन अस्लुबहा जुल्ब शईर मा फअलतु। मौला फरमाते खुदा की कसम अदालत जरा देखिएगा अली इब्न अबी तालिब की अदालत है क्या, किस नहज पर है अली की अदालत। कहते हैं खुदा की कसम अगर मुझे जमीन के सातों तबकात अता कर दिए जाएं और मुझ अली इब्न अबी तालिब से ये कहा जाए कि मैं एक चींटी के हक में मासियत अंजाम दूं, उसके साथ ना इंसाफी से काम लूं, मासियत क्या करूं कि उस चींटी के मुंह से जौ के दाने के छिलके को मैं छीन लूं। अगर अली से ये कहा जाए तो मा फअलतु, अली इब्न अबी तालिब ये भी नहीं कर सकता। ये जानवर की बात हो रही है, मौला ने अदालत को बयान कर दिया, इंतहाई अदालत को बयान कर दिया कि आया अदालत की एंडिंग कहां पर है, उसकी लिमिट कहां है, कैसे होनी चाहिए अदालत। वो अली इब्न अबी तालिब जो जानवरों के हक में अदालत का इतना पास रखता हो, तो जब इंसानियत की बात आए तो उसकी अदालत कहां पर होगी, ये मैं और आपका सबूत नहीं कर सकते हैं। तजाने गिरामी अली इब्न अबी तालिब के साथ एक मौजूदा है, तमाम सिफात खुदा ने मुतादाद सिफात को अली की जात में जमा करके रख दिया है। बेहतरीन इबादत करने वाले अली इब्न अबी तालिब, बेहतरीन अदालत दिखाने वाले अली इब्न अबी तालिब, बेहतरीन जोहद अगर देखना है अली इब्न अबी तालिब के अंदर नजर आएगा। बेहतरीन चीजें हैं इसी मौला के अंदर हर बेटे में, मैंने अर्ज किया ये पहला भी और आखिर भी कोई फर्क नहीं है, तमाम एक है। ये अदालत का मरहला मोहम्मद वाले मोहम्मद तो अली इब्न अबी तालिब के साथ तमाम सिफात को अपने अंदर रखने वाली है, चाहे इबादत का पहलू हो, चाहे वो अदालत का पहलू हो, चाहे वो जंग का मैदान हो। और अली इब्न अबी तालिब जब गरीबों की मदद करने पर आते हैं तो ऐसी मदद की मेरे मौला ने जब मौला की शहादत हुई है, कितने ही यतीम अफराद ऐसे थे कि जो गिरिया कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आज हमारा दाना पानी बंद हो गया। क्यों बंद हुआ था? अली इब्न अबी तालिब कांधे पर बोरी रखकर रोटी बांटने जाया करते थे दर दर। जिस फजीलत को अगर आप देखेंगे अली इब्न अबी तालिब के पीछे दौड़ती हुई नजर आती है, ये फजीलत है अजमत आले मोहम्मद है। इतना बड़ा मौला जिसके हाथ में तमाम चीजें तमाम तैयारात खुदा ने अता की है, उसकी जिंदगी क्या है? गरीबों के साथ बैठा करता था मेरा मौला। जब एक नाबीना इंसान जब मौला को दफन करके हसन हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे थे तो कुफे के दरवाजे पर क्या देखा है? एक नाबीना शख्स बैठा है, वो रो रहा है, गिरिया कर रहा है। मौला गए उसके करीब, काफी गिरिया क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? कहने लगे, वो कहने लगा नाबीना शख्स कि एक शख्स मेरे पास आता था, तीन दिन हो गए हैं आज वो मेरे पास नहीं आया, ताकि कुछ अलामत तो बताओ उसकी क्या है। जब अलामत बताई गई तो पता चला कि वो अली इब्न अबी तालिब के साथ है। मौला हसन ने फरमाया मेरा बाबा अली था, तो क्या करता था? जरा देखिए कायनात का मौला जब फकीरों के साथ बैठ रहा है तो हालत क्या है। वो नाबीना शख्स कहता है वो ये कहा करता था जब भी मेरे पास आता
में दर्द है, इससे हमें सीखना चाहिए। हमारे मुआशरे में क्या होता है, कुछ पैसा आ गया, कुछ दौलत आ गई, फकीर अगर दरवाजे पर आ जाए तो बहुत बुरी कैफियत इंसान बना लेता है। यानी एक अजीब सा हो जाता है, खुदा ने सीखो भेजा था मेरे दर पर, अभी मैं खाना खा रहा हूं, उसको धुकारा जाता है। यह आले मोहम्मद की सीरत नहीं है कि कोई आपके दर पर आ रहा है, फकीर को जो खुदा आपके दरवाजे पर भेजता है, यह लुत्फ परवरदिगार है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयान करते हैं, जो फकीर आपके पास आता है ये कोई कम कीमत फकीर नहीं हुआ करता, ये खुदा भेजता है। खुदा ने तौफीक अता फरमाई है कि आपके हाथ से इसको कुछ दिलवाए, और ये फकीर के हाथ में आप जो देते हैं, पैसे देते हैं, खाना देते हैं, ये हदीस और कुदसी का जुमला है। ये जो तुम फकीर को देते हो, फकीर मेरा कुनबा है, ये फकीर के हाथ में नहीं आता, डायरेक्ट मेरे पास पहुंचता है। सीरत आले मोहम्मद ही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हमें और चीजें सिखाई, फकीर को जब दिया करो तो तरीका क्या होना चाहिए, तरीका यह होना चाहिए जब आपके पास फकीर आ रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत यह है कि आगे बढ़कर फकीर के हाथों को चूमा करके चला जाए, तेरा शुक्र है कि तू मेरे पास आया, खुदा ने तौफीक अता फरमाई कि मेरे हाथ से तुझे कुछ दूं। फकीर के हाथ का बोसा देते थे और फकीर को चीजें अता करते थे, वो तमाम चीजें जो खुद मौला पसंद फरमाते थे। जो चीज आपको पसंद है वो चीजें फकीरों को दो, ऐसा नहीं है कि मुझे एक चीज पसंद नहीं है, मेरा दिल भर गया, पुराने कपड़े होकर फकीर को दे दिए, इसमें फजीलत नहीं है। कुरान कहता है सबसे पसंदीदा चीज खुदा की बारगाह में दो, फकीर को अगर देना चाहते हो सबसे बेहतरीन चीज फकीर को दो, और यह खुद सीरत में मिलता है। चौथे इमाम सबसे ज्यादा बादाम खाया करते थे, अंगूर खाया करते थे, शकर माला को बहुत पसंद थी। किसी ने सवाल किया, माला जब भी फकीर को देते थे यही चीज दिया करते थे। मेरे मौला से किसी ने पूछा, मौला ये आप यही चीज फकीर को क्यों देते हैं? मेरे मौला ने फरमाया, तुमने कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी कि जिसमें खुदा वल्ले मुताल ये बयान कर रहा है कि खुदा की अगर हमें वो चीज अता किया करो जो तुम्हारी निगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा है, तो मेरी निगाह में सबसे ज्यादा जो पसंदीदा चीज है, जो मुझे पसंद है, वो बादाम और अंगूर और शकर पसंद है, इस वजह से खुदा की बारगाह में यही देता हूं। तो जाने गिरानी अपनी जिंदगी में सीरत आले मोहम्मद को लाया जाए। अली की सीरत क्या थी? अली की सीरत पर ऐसे चला जाए जैसे सलमान चला करते थे। सलमान जो चलते थे अली के पीछे, न अली से पीछे रहते थे, न अली से आगे बढ़ते थे, बल्कि वहीं पर अपने कदम रखते थे जहां पर अली के कदम हुआ करते थे। मकसद क्या है इसका? अली कभी भी हमें गलत राह की तरफ लेकर नहीं जाएंगे। रसूल खुदा की हदीस भी है कि अहले बैत के साथ साथ चलो, इनको सिखाने की कोशिश मत करना, इनसे सीखने की कोशिश करना, ना इनसे आगे बढ़ना तब भी हलाकत है, ना इनसे पीछे रहना तब भी हलाकत है। तो बेहतरीन शिया, बेहतरीन मुहिब अली इब्न अबी तालिब, जो मोहब्बत के साथ इताअत भी करता हो। इताअत नाम है पैरवी का, कि मौला ने जो कहा उस पर अमल किया, मौला ने जो कहा उसको अंजाम दिया, इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया जाए। तो अली इब्न अबी तालिब किताब हर हवाले से मुकम्मल कहा थे। अली इब्न अबी तालिब कभी भी फजीलतों के पीछे नहीं गए, हमेशा फजीलतों ने जो तवाफ किया है वो अली इब्न अबी तालिब का तवाफ किया है। फजीलत तलाश करती है अली इब्न अबी तालिब को, जहां जहां अली जाएगा फजीलत वहीं जाएगी। अब मुझे जुमला कहने दीजिए, जब विलायत को अली की तमन्ना है या अली को विलायत की तमन्ना है? जो कुरान में विलायत का तस्करा किया गया कि तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल है, और वो लोग तुम्हारे वली है कि जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं, ईमान लेकर आए, विलायत को अली की तमन्ना है या अली को विलायत की तमन्ना है?
जन्नत को अली की तमन्ना है या अली को जन्नत की तमन्ना है? अगर असीर और मिस्कीन और यतीम दरवाजे पर आए तो जन्नत को अली की तमन्ना, और अगर अली खुद मिस्कीन और यतीम और असीर के दर पर खाना देने जाए तो अली को जन्नत की तमन्ना। अब तारीख उठाकर देखिए कि विलायत जो अली की बयान की जा रही है, अली ने मस्जिद में विलायत को दिखाया है, विलायत देने गए थे या विलायत खुद अली के पास आई थी, अंगूठी जब दी थी आयत नाजिल हो गई थी, इन्नमा वलीयुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनु अल्लदीना युकीमून अस्सलाता व युतून अज़्ज़ाकात व हुम राकिऊन। अली ने हालत रुकू में ज़कात देकर बता दिया कि मैं देने नहीं गया था, साइल खुद लेने आया था, मुझे विलायत की तमन्ना नहीं है, विलायत को मेरी तमन्ना है। मेरे मौला का जुमला सुनिए, मेरे मौला किस तरीके से अपने गुलाम का एहतराम कर रहे हैं।
शान है। अदालत देखिए क्या है, मेरे मौला ने महंगा लिबास जब उनको दिया तो चुल्ला अपनी जबान से जारी किया ताकि कंबर अली बूढ़ा हो चुका है, तुम जवान हुए लिबास तुम पर ज्यादा जचेगा, तुम पहनो। तज्जाने गिरामी अली अब तालिब ने समझा दिया कि देखो जब अदालत दिखाओ तो आका और गुलाम में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, जो खुद पहनो वही अपने गुलामों को दो। ये अली की सीरत है, अली ने हमें करके बताया। और कितने ही वाकयात ऐसे हैं, अली की गवर्नमेंट है, अली खलीफा बने, जाहिर खिलाफत जब अली को मिली वहां पर भी अली अब तालिब ने अदालत को सामने रखा। और मैंने अर्ज किया अली को जो शहीद किया गया मेहराब के अंदर शिद्दत अदल ही, अली की शिद्दत अदालत ही के बिना पर अली को जब लगाई गई है मेहराब के अंदर। क्योंकि अली वो नहीं करते थे कि जो दूसरे करते थे। जब मैं मौला खिलाफत पर आया, अब लोग तसव्वुर यही कर रहे थे कि अली अपने अबी तालिब भी वही करेंगे जो दूसरे करते थे, लेकिन मामला बरअक्स। लोग आते जाते थे माले गनीमत और बैतुल माल में से जब देने का मामला आया, मस्जिद में अली इब्न अबी तालिब बैठे हैं, अपने खजानचियों को रखा हुआ है, चंद अफराद हैं। अब जाहिर है वो मौका ऐसा था, वो हालात ऐसे चल रहे थे कि वहां पर गुलाम भी थे, कनीजों का सिस्टम भी था, ये तमाम चीजें मौजूद थी। तो बैतुल माल में से हिस्सा सबका होता है। अब जब लोग आते थे अपना अपना हिस्सा लेने, अली ने अपने खजानची को कहा कि सबको चार चार हजार दिरहम देना, इससे ज्यादा नहीं देना। अब जब लोग आए, बड़े बड़े रुसा रईस अफराद अपने गुलामों को भी साथ लाए। अब जब इन्होंने देखा, अली ने आका को भी 4000 दिरहम दिए और गुलाम को भी 4000 दिरहम दिए, कहा कि अली ये क्या कर रहे हैं आप, कोई फर्क आपने नहीं रखा, मैं आका हूं, ये मेरा गुलाम है, मुझे इससे ज्यादा अदा कीजिए। तो मेरे मौला का अजीब जुमला, मौला ने एक फॉर्मूला दे दिया, मौला ने अदालत करने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा दिया। वहां मौला ने बयान फरमाया ताकि रसूल खुदा अगर कोई फर्क करते आकर गुलाम के अंदर और कुरान में, अगर मुझे कोई फर्क नजर आ जाता कि आका को ज्यादा दो गुलाम को कम दो, तो अली अब तालिब भी वही करता जो कुरान करता। मैंने ना कुरान में देखा ना रसूल खुदा की जबान से सुना, तो अली वही करेगा जो कुरान बताएगा, रसूल खुदा बयान करेंगे। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आता कि पीछे आने वालों को जगह मिल जाए। अल्लाह वही करेंगे जो कुरान बताएगा, क्योंकि अली कुरान के साथ हैं। मैंने अर्ज किया अगर कुरान को जिस दे दिया जाए तो साथ अली बनती है, तो जो कुछ कुरान के अंदर होगा अली वही बयान करेंगे। क्योंकि अली की शान को सूरह यासीन में आप पढ़ते हैं, फकुल शैना हसैना फी ईमान मुबीन, कि हमने हर शय का एहसास कर दिया ईमान मुबीन के अंदर। तो अली अब तालिब की जात, आले मोहम्मद की जात यह है कि इनके अंदर खुदा ने तमाम मुतबाद सिफात को जमा करके रख दिया। शुजात देखनी है इनके अंदर नजर आएगी, अदालत देखनी है इनके अंदर नजर आएगी, लोगों का ख्याल करना देखना है, गरीबों की मदद करना देखना है इनके अंदर नजर आएगी। बेहतरीन सिफात के मालिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। बस कोशिशें करें ये जो मजालिस हुआ करती है इनमें सीख कर जाया कीजिए, कोशिश कीजिए कि इन तमाम चीजों को अपने ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए, उतारिए। ये जो आजादारी होती है माह मुहर्रम और हराम जो आते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी दस्तगाह है, इससे इंसान को सीख कर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुना और उसको जाकर बयान किया कि जो सुने मजलिस में, जो भी मौलाना है, जो भी खतीब यहां पर मौजूद हो, तो ऐसी बात आपको बताकर जाए, उसको मैसेज समझकर सबके जारी समझकर आगे पहुंचाए ताकि तरबियत हो और बच्चों को अपने साथ जरूर लाया कीजिए मजलिस के अंदर। बेहतरीन तरबियत की जगह ये फर्श अदा है, बच्चे यहां से सीख कर जाते हैं।
خزانے گرہ نے آپ کے بیانات کو تمام کیا. آج اسی ہستی کا تذکرہ کرنا ہے. میں نے عرض کیا کہ اطاعت محبت کے ساتھ ہونی چاہیے, اور اطاعت جو ہمیں سمجھائی ہے کربلا میں, اگر آپ ایک ہستی کو دیکھیں جو اطاعت کر کے بتایا اس ہستی نے, ایسی اطاعت الہ یوم القیامہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. بتا دیا معصوم کے پیچھے کس طریقے سے چلا جاتا ہے. اگر تسلیم کر لیا میرا مولا ہے تو اس کو مولا سمجھتے ہوئے پلکوں کا اشارہ بھی زیادہ ہے, بس ہمیں دیکھے پہچان جائے مولا کیا چاہ رہا ہے. اور یہ عباس ابن علی نے کربلا میں کر کے دکھا دیا. اطاعت کی وہ تصویر پیش کی میرے مولا عباس نے, کہ بتایا کہ اگر میں نے مولا تسلیم کیا ہے حسین کو, تو اب حسین کی چاہت عباس کی چاہت, اگر میں یوں کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہو, عباس نام ہے مرضی حسین کا, جو حسین کی ذات میں فنا ہو گیا. اس شخصیت کا نام حسین ابن علی, عباس ابن علی. عزاداروں, یہی عباس ابن علی جب جو محرم کو خیمے نصب ہوئے, عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیموں کو لگایا تھا, دشمن کا پیغام آیا کہ خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹا دیا جائے. عزاداروں, عباس نے جب حسین نے کہا کہ عباس خیموں کو ہٹا لو, تو عباس نے یہ نہیں کہا مولا بڑی مشکل سے لگائے تھے, کیونکہ اطاعت کرنی ہے, ولایت کمایا ہے تو اس پر اترنا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے مولا, خیموں کو ہٹا دیا گیا, خیمے ہٹ چکے. عزاداروں, موقع وہ آیا, تمام لوگ جاتے رہے شہادت دیتے رہے, اب عباس دیکھ رہے ہیں کہ قاتل جا چکے, علی اکبر جا چکے اور محمد جا چکے. یہ وہ بچے ہیں کہ عباس نے ان کو تلوار پکڑنا سکھائی تھی کہ کس طریقے سے جنگ کی جاتی ہے. اب عزاداروں, تصور کیجیے استاد سامنے کھڑا دیکھ رہا ہو کہ اس کے ہاتھوں کے سکھائے ہوئے میدان میں جا رہے ہیں, لیکن استاد کو اجازت نہیں مل رہی ہو تو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہو. عباس اپنے مولا کی خدمت میں آ کہا کہ مولا اب عباس سے برداشت نہیں ہو رہا. عزاداروں, مقتل کا جملہ یہ ہے, میرے مولا عباس نے اپنی نگاہ کو نیچے کیا, ہاتھوں کو جوڑا, میرے مولا حسین سے کہتے ہیں مولا لقد ضاقت صدری, اب عباس کا سینہ تنگ ہو رہا ہے, اب عباس سے برداشت نہیں ہو رہا, مولا مجھے مقتل کی اجازت چاہیے. عزاداروں, میرے مولا نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا, مولا فرماتے ہیں عباس تم تو میری فوج کے سالار ہو, میری فوج کے سپہ سالار ہو, علم بردار ہو. عزاداروں, جملہ سننا تھا, ہر روایت کہتی ہے, مقتل کہتا ہے, میرے مولا عباس نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا, ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا, اور یہ جملہ اپنی زبان سے جاری کیا, مولا وہ فوج ہی کہاں ہے جس کا عباس علمدار تھا. اجرکم اللہ, کہا کہ عباس جانا چاہتے ہو تو دیکھو جنگ نہیں کرنی ہے. عزادار, مرتبہ عباس نے کیا دیکھا, در خیمہ پر سکینہ مش لے کر کھڑی ہے. اب میرے مولا عباس سکینہ کے پاس ہے, بچی کو گود میں لیا, اب عزادار عجیب سفارش لے کر مولا کی خدمت میں گئے ہیں. ایک مرتبہ میرا مولا عباس سکینہ سے کہتا ہے, بیٹی سکینہ دیکھو اگر تمہیں پانی چاہیے تو بابا سے اجازت دلوا دو. اب گود میں لیا, حسین کی خدمت میں گئے ہیں. ایک مرتبہ جب حسین نے دیکھا ہے کہ عباس بڑی سفارش لائے ہو, ایک مرتبہ وہ موقع آیا, میرے مولا کہتے ہیں عباس اگر جانا چاہتے ہو دیکھو جنگ نہیں کرنی ہے, یہ مشک سکینہ لو, پانی لے کر آنا ہے. عباس نے مشک سکینہ کو لیا, اب چلے نہر فرات کی جانب گئے, دشمن کو ہٹاتے جاتے تھے, چیرتے ہوئے نہر فرات میں پہنچے, ایک مرتبہ مشک سکینہ کو بھرا, اب میرا مولا فرات سے جب باہر آیا ہے ایسے راستے کو لیا کہ جہاں سے جلدی سکینہ تک پہنچ جائے, سکینہ پانی پی لے, اصغر پانی پی لے, میرا مولا حسین پانی پی لے. عزاداروں, اب میرا مولا عباس نخلستان کا راستہ لیتے جاتے تھے, اب وہاں سے جا رہے ہیں, اس شکتی نے درخت کے پیچھے سے ایک ایسا وار
مشق موجود ہے اس کو نقصان نہ پہنچے اداداروں مولا نے اپنے آپ کو مشق سکینہ پر گرا دیا لیکن اداداروں یہ ہونا تھا عمر سعد نے حکم دیا کیا دیکھتے ہو مشق سکینہ کا نشانہ لو یہ سنا سننا تھا تیر چلا مشق سکینہ پر لگا پانی بہنے لگا یہ پانی نہیں بات یہ عباس کی حالت بہ گئی اجر کمال اللہ دادا رو اب میرے مولا نے جب یہ دیکھا مشق سکینہ چھپ چکی ہے تیر لگ چکا ہے اب خیمہ میں کیسے جاؤں گا سکینہ کا سامنا کیسے کروں گا ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے مولا عباس نے اپنے گھوڑے یہ ہونا تھا کسی نے تلواریں ماری کسی نے نیزہ مارا کسی نے گرد مارا میرا مولا گھوڑے سے زمین پر آیا آواز دی السلام علیکم یا عبد اللہ ادادر میرے مولا حسین نے اس صدا کو سنا ادادر جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے اگر کوئی شخص بلندی سے نیچے آتا ہے تو جب نیچے آتا ہے تو کس چیز کے سہارے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے سب سے پہلے کس چیز کا سہارا لیتا ہے ہر شخص یہی کرتا ہے جب اوپر سے نیچے گرنے والا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ زمین پر رکھتا ہے لیکن عزاداروں ذرا بات کو دیکھیے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں جب گھوڑے سے زمین پر میرا مولا آیا ہوگا تو کس طریقے سے آیا ہوگا جس کے ہاتھ ہی نہ ہو میرے مولا عباس نے اس کا شکوہ کیا ہے ذاکر سے ایک ذاکر کے قاضی نے کربلائی کی خواب میں میرے مولا آئے ہیں کہتے ہیں ذاکر میرے مسائل نہیں پڑتا وہ ذاکر کہتا مولا آپ کے مسائل پڑھا کرتا ہوں مولا آپ کی آنکھ میں تیر لگا پڑتا ہوں مولا آپ کے سامنے مشق سکینہ پر تیر لگا پڑتا ہوں وہ ایک ایک کر کے تمام مسائل بیان کرتا جاتا تھا مولا عباس کہتے ہیں نہیں ذاکر تو میری مصیبت نہیں پڑتا ایک مرتبہ ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑا ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا مولا کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھے بیان کیجئے مولا عباس کہتے ہیں اے ذاکر تو میری وہ مصیبت کیوں نہیں پڑتا کہ جب میں گھوڑے سے زمین پر آیا تھا میرے ہاتھ نہیں تھے میری آنکھ میں تیر تھا جب میں زمین پر آیا ہوں گا کس طریقے سے آیا ہوں اجر مولا لادا دار آخری جملہ میرے مولا حسین نے جب عباس کی صدا کو سنا ہے ادا دار مقتل کہتا ہے میرے مولا حسین نے اپنی کمر کو تھاما اور ایک جملہ ارشاد فرمایا الان انکسر ظہری آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی عزادارو یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں تھا حسین کا سہارا عباس تھا جب سہارا چلا جاتا ہے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے میرے مولا عباس کی جانب پہ کچھ رمک باقی ہے کچھ جان ہے عباس کے اندر عزادارو جیسے عباس کے پاس پہنچے ہیں میرے مولا عباس نے میرے مولا حسین نے عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا عباس نے ہٹا لیا پھر سر کو زانوں پر رکھا پھر ہٹا لیا پھر عباس کے سر کو مولا نے اپنے زانوں پر رکھنا چاہا ہر بار عباس اٹھا لیا کرتے تھے ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا کہ عباس کیا وجہ ہے میں تمہارے
عجیب منظر ہے، قیامت کا منظر ہے دادارو، کس طریقے سے مولا حسین علم کو لے کر جا رہے ہوں گے، یہ مولا بتا سکتے ہیں؟ اب علم کو لے کر چل رہے ہیں، اب تمام بچوں کو سکینہ نے جمع کیا ہوا ہے، اب تمام بچے یہ انتظار کر رہے ہیں، چچا پاس پانی لے کے لینے گیا تھا، پانی لا رہا ہوگا، دادارو کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا کہ علم نظر آیا، کچھ آت بڑی، جب حسین نزدیک آئے تو کیا دیکھا، علم تو موجود ہے، علمدار نہیں آیا، ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے اے بچوں چلے جاؤ، پانی نہیں آیا، اب سکینہ اپنی پیاس کو تو بھول گئی ہے، مقتل کہتا ہے سکینہ آگے بڑی ہے، اپنے بابا سے کہا اے بابا اینا امی العباس، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ حسین نے کہا بیٹی سکینہ تیرا چچا عباس دریا کے کنارے ہاتھوں کو کھچوا کر سو گیا۔ علیم برحمتک یا ارحم الراحمین ما تم حسین۔